अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं दम का कीमा, इंस्टेंट दम का कीमा। सबसे पहले हम ले लेंगे एक वॉक और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 kg। हमने ले लिया है कीमा, हमने ले लिया है 1 kg मटन का कीमा। आप चाहते हैं तो चिकन का और बीफ यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमारे पास है 1 tablespoon पिसा हुआ धनिया, 1/2 tablespoon पिसा हुआ गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया हमारे पास है 1 teaspoon, रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 tablespoon, ब्लैक पेपर है 1 teaspoon, पिसा हुआ ब्लैक पेपर 1 teaspoon, हल्दी पाउडर है हमारे पास 1 teaspoon, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये सब ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। स्पाइसेस 1 tablespoon है हमारे पास रेड चिली पाउडर, ब्लैक ज़ीरा है हमारे पास 1/2 tablespoon कुटा हुआ, वाइट ज़ीरा है हमारे पास 1 teaspoon कुटा हुआ, जायफल और जावित्री का छोटे छोटे से हमने बिल्कुल छोटे से पीसीज ले लिए हैं, इनको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है, एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची का पाउडर है हमारे पास। ये जायफल जावित्री का पाउडर है हमारे पास, थोड़े छोटे छोटे से हमने पीसीज ले लिए थे। ये लौंग का पाउडर है, ये 4 से 5 अदद हमने लौंग लेनी है और इसको भी बारीक पाउडर फॉर्म में कर लिया है और इसको भी ऐड कर देंगे हम स्पाइसेस को। अनियन है हमारे पास मीडियम साइज़ की और हमने इसको बिल्कुल ऑमलेट कट कर लिया, ये भी ऐड कर देंगे हम। हमें सब कुछ डायरेक्ट ही ऐड करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आराम से इजीली ये कुक हो जाता है। आप चाहते हैं तो इसे पहले भी मैरिनेशन करके रख सकते हैं 1 से आधा घंटा भी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ की, हमने अनियन को गोल्डन ब्राउन कर लिया है, ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। 2 हमने अनियन ली हैं बड़े साइज़ की ब्राउन, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। योगर्ट हम ले लेंगे इसमें 1/2 cup, अदरक लहसुन का पेस्ट हम ले लेंगे, ये सारा ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे पास है 2 tablespoon, इसको भी हमने बारीक पीस लिया है। ऑयल हमारे पास है 1 cup, ये ऐड कर देंगे। वही ऑयल हमें यूज़ करना है जिसमें हमने अनियन को गोल्डन ब्राउन किया है। ग्रीन चिली का पेस्ट हमें चाहिए अराउंड 1 tablespoon और इसको मैंने पीस के पहले ही फ्रीज करके रखा हुआ है। आप चाहते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चिली फ्लेक्स, रेड चिली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सारे स्पाइसेस और कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे मैरिनेट करके रखना चाहते हैं ओवरनाइट भी कर सकते हैं और 2 से 3 घंटे, आधा घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट कुक करूँगी बिकॉज़ हमारे पास टाइम नहीं है। अब ये स्पाइसेस इसकी अच्छी सी मिक्स हो चुकी हैं और हम अब इसकी फ्लेम को ऑन कर लेंगे। देखिए हमारा कीमा भी मिक्स हो चुका है और हमने फ्लेम को भी ऑन कर दिया। इतनी जल्दी और इतने मज़ेदार हमारा ये दम का कीमा रेडी होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें 2-3 sip वाटर ऐड कर देंगे और इसे हम कवर अप करके रख देंगे। अब ये हमारा जो कीमा ये भी पानी अपना रिलीज करेगा और इसमें हमने जो पानी डाला है इसी में ही कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर अप करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये अच्छा सा टेंडर हो चुका है और भुनने के लिए भी रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 tablespoon हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहते हैं तो इसमें आप भुना हुआ बेसन भी 2 tablespoon ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। कि जैसे कीमा बिखरा बिखरा सा होता है तो ये स्मूदी सा लिक्विडी कीमा बन जाएगा। और हम अब इसे
तो उसे 3 मिनट अच्छा सा भून लेते हैं और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। अभी इसको कंटिन्यू पहले मैं चला लूँ ताकि जो हमने मैदा इसमें ऐड करा उसमें कोई लम्स ना रह जाए। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसे हमने हाई फ्लेम पर भून लिया अच्छा सा। अब हम इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। सूखी मेथी हम इसमें ऐड कर देंगे हैंड क्रश करके। हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून अराउंड। ¼ टीस्पून हम इसमें अगेन गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम अच्छा सा बस हमारा दम का कीमा रेडी है। मिक्स हो चुका है, अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके बाद अब हम कुछ भी रख देंगे कीमे के ऊपर। और इस पर ना हमने कोयले को पहले ही प्री हीट करने रख दिया था, ये रख देंगे और थोड़ा सा घी या ऑयल आप इस पर डाल दें और इसको फ़ौरन कवर अप कर दें ताकि इसमें अच्छा सा अरोमा आ जाए कोयले का। और इसके बाद हम डिश आउट कर लेते हैं अपने ही डिश को। फ्रेंड्स, हमारा दम का कीमा रेडी टू ईट है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। नान के साथ सर्व करें, घर की रोटी के साथ सर्व करें, ऑसम टेस्ट लगेगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेएफ के चैनल, अल्लाह हाफिज़।